Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the MCA aspirants जो कि 2025 में CET का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं. गाइज एज यू ऑल नो कि आपके कॉम्पिटिशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं. और अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूँ लाइक VJTI, SPIT, SPPO, PCCOE, SIS, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी, तो इन सारे टॉप कॉलेजेस को मिलाकर आपकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड है. और कॉम्पिटिशन की अगर मैं बात करूँ तो नियरली 40,000 to 50,000 aspirants इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हैं, लिखते हैं और कट ऑफ्स भी काफ़ी हाई जाते हैं. और कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ, तो कट ऑफ्स आपके 99+ आपको हिट ही करना पड़ेगा अगर आपको इन सारे टॉप कॉलेजेस को टारगेट करना है या फिर आप इन सारे टॉप कॉलेजेस से कॉल एक्सपेक्ट करना चाहते हो. तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों आपको अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए. एग्जैक्टली 6 months हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए. वी आर इन दी मंथ ऑफ ऑगस्ट और मार्च में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं. तो आपके पास 6 months हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास 6 to 8 months होने ही चाहिए. और उसमें आपके पास होने चाहिए राइट रिसोर्सेज, कॉन्क्रीट रिसोर्सेज जो आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें कवर करेंगे. आप मार्केट से भले कोई भी बुक उठा के लेके आ जाओ जिसके अंदर बहुत सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, बट आपको एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ना है, कितना सफिशिएंट है वो नहीं पता होगा, तो आप एग्ज़ाम कैसे क्रैक करोगे. तो अगर आपके पास ऐसे स्टडी मटेरियल्स होंगे जो आपको टू द पॉइंट एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो डेफिनेटली बहुत यूज़फुल होगा. एंड गिवन दी कॉम्पिटिशन तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि आपको ऐसे ही किसी रैंडम बुक्स पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना. आपको एकदम कॉन्क्रीट रिसोर्सेज, बिल्कुल ऑथेंटिक रिसोर्सेज को यूज़ करना है. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर योर प्रिपरेशंस. तो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड बिकॉज कैसे एक्सेस करना है आई विल गाइड यू इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी. बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन और इनसाइट्स मिलने वाले हैं. मैन्यूवर एमसी एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को भी आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो जहाँ पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस मिलते हैं. इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. तो सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं. 5 सेक्शन होंगे आपके, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स. अब इसमें से मैथमेटिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डिफ़िकल्ट पार्ट होता है क्योंकि उन्होंने या तो लास्ट 12th में पढ़ी थी, ग्रेजुएशन में पढ़ी थी, या फिर मैथ्स से पहले से ही एक फोबिया है. मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा. बट मैथ्स में आपको अपर हैंड लाने के लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे फॉर 60 मार्क्स, इंटू 2 आपका यहाँ पर काउंटिंग होगा. लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी जिसको VARCB कहा जाता है, ये आपका इंग्लिश का सेक्शन होगा, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स. अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही बेसिक है यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस से आप स्टार्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है आपकी वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए. अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी एडवांस लेवल की है यू कैन स्विच ऑफ टू द हिंदू न्यूज़पेपर, द टफेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया. और साथ ही साथ आप वर्ड पावर मेड इजी ये वाली बुक को भी रेफ़र कर सकते हो. एक रेड कलर की बुक आपको मिलेगी बाय नॉर्मन लुविस, इंग्लिश के लिए एक बाइबल कंसिडर की जाती है. तो जितने भी वोकैब्स आप डेवलप करना चाहते हो, एनहांस करना चाहते हो, इस बुक के थ्रू हो जाएगी. और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में उन सारे एग्ज़ाम्स में से आपको वोकैब्स इसी बुक से पूछे जाते हैं. तो अगर आपने मैन्यूअल ज्वाइन किया है लाइव क्लास या फिर क्लासरूम कोचिंग, आपको वर्ड पावर मेड इजी के सारे वीडियोस डैशबोर्ड पर मिल जाते हैं. फिर उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है, 20-40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो ऐसे आपके 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के लिए. सेफ स्कोर अगर मैं बताऊं आउट ऑफ 200 आपको 140+ ही टारगेट करना है, तब जाकर आपका कहीं ना कहीं 99+ का जो परसेंटाइल है वो बनेगा. और 99+ परसेंटाइल अगर आप लेकर आते हो तो आपके पास लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस ओपन हो जाती हैं, VJTI, देन यू हैव SPIT, देन यू हैव SPPU, फिर आता है PCCOE पुणे में जो कॉलेज है, पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन. ये काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं और ये हमेशा से टॉप 5 टॉप 6 वाले कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं. तो इनसे अगर आपको कॉल एक्सपेक्ट करना है इतना परसेंटेज तो लाना पड़ेगा. और अगर मैं इन सारे
कॉलेजेस की सीट भी मिला लूँ तो अराउंड 1000 सीट्स आपको मिलेगी, और कंपटीशन कितना है 40,000 to 50,000 का। तो आप सोच सकते हो 1000 सीट्स के आगे 40,000 स्टूडेंट्स, यानी 3 to 4% स्टूडेंट्स ही हैं जो ये टॉप कॉलेजेस में जाएंगे, तो वो आप भी हो सकते हो। और उसके लिए चाहिए आपको अर्ली प्रिपरेशन, अर्ली प्रिपरेशन के लिए चाहिए आपको कॉन्क्रीट रिसोर्सेज। और अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर मिलेंगे कॉन्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश की बुक्स, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपके वर्कशॉप्स चलेंगे, तो वो वर्कशॉप्स काफ़ी हैंडी होंगे, आप उसके थ्रू अच्छा खासा वहाँ पर स्कोर कर सकते हो। अब इन बुक्स को आप कैसे एक्सेस करोगे, अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअर एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट दी बुक्स। ऑलराइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअर एजुकेशन, यहाँ पर बाय ऑनलाइन पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको एमसी एंट्रेंस पर आ जाना है। स्क्रॉल करो तो सबसे पहले आपको बुक्स को चेकआउट करना है, तो यहाँ पर आपको तीनों ही टैब को चेकआउट करना है। पहले आपको इस वाले टैब को चेकआउट करना है, इसमें मिलेंगे आपको कॉन्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन। तो जैसे मैंने बोला, कंप्यूटर सेक्शन के लिए आपका वर्कशॉप्स काफ़ी है। अगर आपको एडवांस मैथ्स के हैंडआउट्स के लिए जाना है तो आपको यहाँ पर मिलते हैं 15 हैंडआउट्स, और अगर आप ई बुक्स के लिए जाना चाहते हो तो आप थर्ड वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। इफ़ यू गो बैक, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स हैंडआउट्स वाला कॉम्बिनेशन वाला पैकेज चाहिए तो आप फुल कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर आपको मिलते हैं 480 वीडियो लेक्चर्स, 87 हैंडआउट्स और 20 मॉक टेस्ट। सेम वे आप सेकेंड वाला टैब भी चेकआउट कर सकते हो, इसके अंदर मिलेंगे आपको 498 वीडियो लेक्चर्स, 100 हैंडआउट्स और 25 मॉक टेस्ट। तो आप दोनों ही टैब को चेकआउट कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो चेकआउट दी मॉक टेस्ट एज वेल। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे अभी 150 टॉपिक वाइज टेस्ट। तो टेस्ट लिखो, अपनी प्रिपरेशन जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी चालू करो, और एनालाइज करो अपने स्कोर को। और इन सारे प्रोग्राम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन, और शेयर करना मत भूलना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।